Good morning, students. Welcome back to the class. Today we are going to start a new chapter, Central Government. Chapter का नाम बहुत बड़ा है, Central Government, the Parliament and the need for it. ठीक है, तो मैं इसे शॉर्ट में लिख देती हूँ, क्योंकि पूरे बोर्ड पे इतना बड़ा नहीं लिख पाऊँगी. आप लोग अंडरस्टूड है आप लोगों को, Central Government, the Parliament and the need for it. ठीक है, तो अच्छा वीडियोस भी द सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से ही आएंगे, तो ढूंढ लेना. बार बार इतना लंबा नाम कौन लिखेगा. चलिए, पिछले दो चैप्टर्स में हमने सेकुलरिज्म पढ़ लिया था आई थिंक. ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक, अच्छा आपके टेस्ट प्लान किए तो जा रहे हैं सितंबर में, तो अभी तक जो बच्चों ने कॉपी चेक नहीं कराई हैं वो करा लें, अपना काम कंप्लीट करें. थर्ड चैप्टर तो पता नहीं, बट दो चैप्टर्स तो सिविक्स के आएंगे. फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स विल बी आस्क्ड इन द टेस्ट विच आर गोइंग टू बी हेल्ड ऑन सेप्टेम्बर, है ना. आई डोंट नो कि विच विल बी द डेट, बट आज कल में आपको सिलेबस और टाइम टेबल मिल जाएगा. ठीक है, तो कम टू द पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड द नीड फॉर इट. पेज नंबर 248. अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे हमारे देश के, वो लोग डेमोक्रेसी रखेंगे हम अपने आज़ाद देश के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस रखेंगे, इस बात पे तो एग्री थे. बट डेमोक्रेसी भी अलग अलग तरीके की होती है, है ना. पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है. तो वो वहाँ कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट वॉज कि हमारे को ये प्रॉब्लम हो रही थी. डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम तो था ठीक, लेकिन इट मस्ट बी पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल. ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी. प्रॉब्लम इन द सेंस, थोड़ा सा डिबेट चल रहा था. आपने पिछले साल पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म पढ़ा था, सिक्स क्लास में पढ़ा था, छोटा सा, है ना. तो अभी अपन इसमें डिटेल में पढ़ेंगे. पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, जिसमें पार्लियामेंट मेन पावर में होती है और प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट की पावर मेन होती है. तो बहुत सारी चीज़ें थी ऐसे, हमारे देश के जो लीडर्स थे उन्होंने ये सोचा कि पार्लियामेंट जो होती है वो क्या होती है, वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलके बनती है वैसे तो, लेकिन उसमें लोकसभा होती है. तो लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं, जिनको कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, MPs कहते हैं, वो सीधे उनको कौन इलेक्ट करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ वोटिंग, इलेक्शंस के थ्रू जनता ही उनको वोट करती है. ठीक है, जनता ही उनको सिलेक्ट करती है. तो हमारे लीडर्स का कहना ये था कि जो भी गवर्नमेंट हो वो सिटीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, सिटीजन्स के लिए उनको आंसरेबल होना चाहिए. तो जब सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन के भेजेंगे, खुद इलेक्ट करके भेजेंगे, है ना. क्या होता है एक्चुअली, आपको ये चीज़ पता है कि नहीं पता है, हम करते क्या हैं, पूरे देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग जो भी पार्टियां होती हैं, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, उनके कैंडिडेट्स होते हैं. ठीक है, अब हमारे एरिया में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, हम जिस एरिया में आएंगे वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, वहाँ के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वोटर्स होंगे वो वोट देने जाएंगे, वहाँ पर आपके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट होगी. ठीक है, उन कैंडिडेट्स में से आप अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट दोगे. अब ये जितने, और फिर ऐसा क्या होगा कि सबसे ज़्यादा जिस कैंडिडेट को वोट मिलेंगे वही कैंडिडेट वहाँ का विनर कहलाएगा. हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक विनर जीत कर आएगा. ये सारे जो विनर्स होंगे, विनर कैंडिडेट्स होंगे, वो कहाँ जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे. ठीक है, लोकसभा में जाकर ये कहलाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब MPs. ठीक है, अब ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव कहलाएंगे, क्योंकि इनको हम वोटर्स ने सिलेक्ट करके इलेक्शंस के थ्रू वहाँ पर भेजा है. ये लॉज बनाएंगे, गवर्नमेंट चलाएंगे, सारे वो काम करेंगे जो कि हम नागरिकों के लिए और इस देश की वेलफेयर और ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे. गेटिंग, ठीक है.
इसीलिए हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं वो सिटीजन्स ने ही चुन के भेजे हैं, तो उनके लिए उनको आंसरेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। इसीलिए उनके हिसाब से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वॉज मोर गुड, मतलब वो ज़्यादा अच्छी थी, है ना। प्रेसिडेंशियल में अलग होता है, यूएसए वगैरह में, अमेरिका में पाया जाता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, लेकिन हमारे लीडर्स को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम ज़्यादा अच्छा लगा था। ठीक है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में उन्होंने थोड़ी सी प्रॉब्लम देखी, उनको लगा कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्लियामेंट्री सिस्टम ज़्यादा बेटर रहेगा, तो फिर उन्होंने क्या चूज़ किया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम यूज़ किया था। ठीक है, अच्छा अब हम इसको छोड़ के इसको पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पाई जाती है। ये बात समझ में आ गई आपको? और क्या होता है इसके अलावा, जब हमारे देश में जब पार्लियामेंट्री, अभी हमें इसको आगे भी पढ़ाऊंगी आपको, थोड़ा सा शॉर्ट में सुन लो कि जो हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, उसमें क्या होता है, तीन लोग होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड होते हैं स्टेट के, मतलब कंट्री के हेड होते हैं, और जो पीएम होता है वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं, हेड ऑफ द स्टेट अलग, स्टेट मतलब राज्य नहीं, स्टेट मतलब नेशन भी कहा जाता है इस चीज़ को। सिविक्स में थोड़े से वर्ड्स स्पेसिफिकली यूज़ होते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, तो इनमें कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होंगे वो इस हेड ऑफ़ द स्टेट कहलाएंगे, ठीक है, यानी कि हेड ऑफ़ द नेशन कहलाएंगे, और पीएम जो होंगे वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट कहलाएंगे। प्रेसिडेंट के पास सारी पावर्स होती हैं, उनकी डिग्निटी बहुत होती है, बहुत रिस्पेक्टफुल पोस्ट होती है, बट जो एक्चुअल वर्क किया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है, जब भी सेरेमनीज़ होंगी, कुछ भी बहुत सारे ऐसे, अभी हम पढ़ेंगे इसके आगे डिटेल में कि प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे काम होते हैं, उनके सिग्नेचर के बिना कोई बिल पास नहीं हो सकता, उनके पास पावर बहुत होती हैं, लेकिन ये सारा काम करता कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है उसमें जो एक्चुअल वर्क होता है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, हेड ऑफ़ द स्टेट प्रेसिडेंट कहलाता है और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर और उसके जो पूरे मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा में उनको मेजोरिटी साबित करनी होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी हमने क्या देखा था कि भाई हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सारे एक एक कैंडिडेट वहाँ पे विनिंग कैंडिडेट चला गया लोकसभा में। अब लोकसभा में लगभग 500 कैंडिडेट्स पहुँचते हैं। ठीक है, अब वहाँ हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट किस पार्टी के हैं, तो जिस पार्टी के मेजोरिटी में होंगे कैंडिडेट्स, मेजोरिटी का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ द पार्टी, तो जिस पार्टी के कैंडिडेट्स सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होंगे वो पार्टी मेजोरिटी की कहलाने लगेगी, मेजोरिटी पार्टी कहलाएगी, और वो रूलिंग गवर्नमेंट मतलब रूलिंग पार्टी कहलाएगी, वही गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, या तो कोई सिंगल पार्टी ऐसा कर सकती है कि भाई बीजेपी ही इतना जीत गई कि फिर बाकियों को इतने वोट मिले नहीं, तो बीजेपी के पता चला 500 में से 300 सीट्स बीजेपी के कैंडिडेट्स के हैं तो वो मेजोरिटी हो गई। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा हो, क्योंकि 50% से ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, 250 से ज़्यादा चाहिए होता है लगभग शायद, तो क्या होगा, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, है ना, तो फिर क्या होगा, थोड़ी कुछ पार्टीज़ आपस में मिल जाती हैं, कोअलियंस कर लेती हैं, गठबंधन कर लेती हैं, फिर वो गवर्नमेंट बनाती हैं। फिलहाल आप इतना समझ लो कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से सारे के एक एक कैंडिडेट विनर पहुँचते हैं, और जब वो लोकसभा में पहुँचते हैं तो उसको हम इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपल जिसको कहते हैं, वहाँ पहुँचकर वो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, एमपी कहलाते हैं। ठीक है, उन एमपीज में से हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स किस पार्टी के हैं, जब जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं वो मेजोरिटी पार्टी कहलाती है और वो ही रूलिंग पार्टी होती है, और बाकी सब जो होते हैं वो अपोजिशन में बैठते हैं, अपोजिशन पार्टीज़ कहलाती है। अब अपोजिशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, अपोजिशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि कोई भी बिल आता है, कोई भी लॉ बनाया जाता है अगर, तो उसमें कुछ कमियाँ हैं तो वो अपोजिशन वाले खींचाता नहीं करते हैं, वो समझाते हैं कि भाई आपने जो लॉ बनाया है वैसे तो अच्छा, पर इसमें ये कमी है, ये कमी है,
तो जो रूलिंग पार्टी होती है उसको उन कमियों को पूरा अच्छा करना पड़ता है ना, उन कमियों को दूर करना पड़ता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, जो भी लॉ बनता है वो फाइनली बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, तब जाके वो अप्लाई किया जाता है देश के ऊपर, है ना। इसीलिए हम ये देख सकते हैं कि अपोजिशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म होगी, है ना, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसको अपनी मेजोरिटी साबित करनी पड़ेगी, पहले उसे मेजोरिटी में आना पड़ेगा लोकसभा में, उसके बाद ही जाके वो गवर्नमेंट बना सकेगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं मेरे ख्याल से कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। इसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दो होते हैं, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है, लेकिन एक्चुअल वर्क जितना भी किया जाता है वो सब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर करता है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर के जो मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ उसके पास बहुत सारे मिनिस्टर्स की एक काउंसिल जैसी होती है जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर सारे कामों को उन मिनिस्टर्स की काउंसिल के हेल्प से करता है। देखो ना, अब प्राइम मिनिस्टर तो हर चीज़ का डिसीजन लेगा नहीं भाई, होम मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, फॉरेन मिनिस्टर होता है, तो ये सब अलग, हेल्थ मिनिस्टर होता है, रेल मिनिस्टर होता है, होते हैं ना। क्यों होते हैं इतने सारे मिनिस्टर, क्योंकि अपना अपना फील्ड देखो, अपना अपना डिपार्टमेंट देखो। जो रेल मिनिस्टर होगा वो रेलवे से जुड़े हुए सारे इश्यूज देखेगा, इसी तरह से फाइनेंस मिनिस्टर वो फाइनेंस से, पैसे से, इकोनॉमी से जुड़े हुए सारे इश्यूज देखेगा। फॉरेन मिनिस्टर किस देश के साथ हमें कैसे रिलेशन रखने हैं, किस देश के साथ हमें ट्रेड करनी है नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें कौन देखता है, फॉरेन मिनिस्टर देखता है। देश के अंदर क्या चल रहा है, देश के अंदर पुलिस की व्यवस्था ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, ये सब कौन देखता है, होम मिनिस्टर देखता है। इसी तरीके से अलग अलग मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, जितना भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होंगी देश के अंदर वो हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर होगा, है ना, शिक्षा मंत्री, तो वो एजुकेशन से रिलेटेड, अब जैसे कोरोना, कब से स्कूल खुलने हैं, कैसे एग्ज़ाम्स लेने हैं, बोर्ड का क्या करना है, कॉलेजेस कब से खुलेंगे, तो कौन से एग्ज़ाम्स कब होने हैं, है ना, तो ये सब एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर में आता है। तो ये सब मिनिस्टर्स मिलकर किसको सपोर्ट करते हैं, इनका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारे अपने अपने डिपार्टमेंट की बातें प्राइम मिनिस्टर के सामने रखते हैं और फिर बहुत सारा डिबेट होता है, फिर फाइनल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर देता है। और प्राइम मिनिस्टर भी क्या, वो सब अपोजिशन वाले भी सुनते हैं, अब अपोजिशन वाले अपनी डिबेट कर लेते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर करते हैं कुछ चीज़ें, फिर राज्यसभा में जाती है, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। आपको अभी इतना नहीं समझो 9th 10th में पढ़ना, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर कैसे वर्क करता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारा वर्क करता है, इसीलिए उसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या होती है। तो इस तरीके से अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे लीडर्स ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्यों चुना था। डेमोक्रेसी रखेंगे अपने देश में, ये तो बात तय थी, लेकिन डेमोक्रेसी के दो पार्ट्स, दो टाइप होते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पर हमारे लीडर्स ने कहा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है हमारे देश के हिसाब से। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हमारा देश बहुत डाइवर्सिटी वाला देश है, है ना, तो जब रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जब कैंडिडेट्स जीत कर आते हैं मेंबर बनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, तो वहाँ पे हमारे को दिखता है कि अलग अलग कम्युनिटीज़ के कैंडिडेट्स हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है। मान लीजिए कि कुछ मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, एमपीज होंगे, तो वो मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड अपनी बातों को बहुत अच्छे से समझा सकेंगे। कुछ क्रिश्चियंस होंगे, जैन होंगे, अलग अलग जगह के होंगे अगर, तो वो बेटर है, है ना। हम किन्हीं बातों को ज़्यादा अच्छे से ना समझ पाएंगे, पर उनकी ही कम्युनिटी के होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से बातों को समझा पाएंगे, उनकी नीड्स को समझा पाएंगे, उनकी फैसिलिटीज़ क्या क्या उनको ज़रूरत हैं वो सब समझा पाएंगे। तो एक ये भी रीज़न था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को हमने अलाउ किया था हमारे लीडर्स ने, क्योंकि हमारे देश में जितनी डाइवर्सिटी है उसको देखते हुए ऐसा था कि गवर्नमेंट में सब तरीके की, सब कम्युनिटी के लोग हों तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट क्या होता है। तो हमने इस पहला तो आपने क्या देख लिया था, पार्लियामेंट्री, यहाँ लिख देती हूँ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम है इंडिया के अंदर। अब सेकंड होता है कि पार्लियामेंट होता क्या है। पार्लियामेंट इट इज़ द इंस्टीट्यूशन वेयर द रिप्रेजेंटेटिव पीपल सिट डाउन टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज एंड गवर्न द कंट्री इज कॉल्ड पार्लियामेंट।
अब पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट एक्चुअली वो इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूशन है, वो संस्थान है जहाँ पर कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल बैठते हैं, जो लोगों ने जिनको चुन के भेजा है वो ही बैठते हैं वहाँ पे जाके पार्लियामेंट में जनरली, है ना। और फिर वो करते क्या है वहाँ बैठ के? पॉलिसीज़ बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, किसके लिए? अपने देश के सिटीजन्स के लिए, ताकि उनका ग्रोथ और उनका डेवलपमेंट हो सके। हम कहते हैं ना कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब इंडियन सिटीजन्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट इज़ द इंस्टीट्यूशन वे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल सिट एंड मेक देयर पॉलिसीज एंड लॉ फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट क्या हुआ? रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ द पीपल, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। ये किसी को लिखना नहीं है कॉपी में, ये सिर्फ समझाने के लिए है। सो अच्छा, अब इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं इंडियन पार्लियामेंट में, तीन कंपोनेंट्स होते हैं। इंडियन पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। सेकंड लोकसभा, जिसको हम क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल। क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, सब पता चलेगा। थर्ड वन इज राज्यसभा। सो दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। राज्यसभा को हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक, और ये होते हैं हमारे हेड ऑफ स्टेट। गेटिंग? तो दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। अब हम सबसे पहले प्रेसिडेंट की बात करते हैं, ठीक, कि प्रेसिडेंट क्या होता है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। इनको हम फर्स्ट सिटीजन भी कहते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ नेशन या कंट्री, ठीक है। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन। अच्छा, इसके कोई प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, कितनी कितनी योग्यताएं चाहिए होती है? आप और मैं भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं क्या? ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली बात तो कि वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए। इंडिया का नागरिक कोई है या नहीं है कैसे पता चलेगा? ये जो चलते हैं ना आधार कार्ड, वोटर आईडी, फलाना ढिमका, ये सब आपको प्रूफ करते हैं कि यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। जिनके पास ये नहीं होता है वो प्रूफ नहीं कर सकते सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको कभी भी बाहर भगा सकते हैं इंडिया से। कहाँ जाओगे? और कोई देश तो रहने देगा नहीं, है ना। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि हर इंसान के पास वोटर आईडी हो, आधार कार्ड हो, जिससे कि प्रूफ हो सके कि यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, सो दैट यू कैन एंजॉय ऑल द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। अच्छा, इसके अलावा ही शुड हैव कम्प्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। 35 ईयर्स से ज़्यादा की एज होनी चाहिए, ठीक है। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस। और उसके अलावा वो सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी ऐसी पोस्ट होल्ड ना करता हो जिससे कि वो फ़ायदा ले सकता हो, ठीक है। तो कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं, और देखो बहुत बड़ी बात नहीं है, 35 साल से ज़्यादा, 35 ईयर से ज़्यादा कोई भी हो सकता है, और सिटीज़न ऑफ इंडिया कोई भी हो सकता है। और किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में वो काम ना करता हो, या करता भी हो तो कोई ऐसा काम ना हो उसका जहाँ पर कर भी वो प्रॉफिट वाली, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काम ना करता हो। अच्छा, टर्म्स एंड इलेक्शन। अब क्या है टर्म एंड इलेक्शन का मतलब? कोई भी इंसान, कोई भी बंदा कब कितने दिन तक प्रेसिडेंट रह सकता है? 5 साल तक कम से कम, ठीक है। 5 साल तक कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है। इसके अलावा उनका जो इलेक्शन होता है उनको कैसे चुना जाता है, कौन बनाता है प्रेसिडेंट? अब भाई जो अपन वोट देते हैं, जो लोकसभा के लोग होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह, और क्या कहते हैं, यहाँ पर जो MPs जाते हैं, ठीक है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बनते हैं, वो तो उनके लिए तो हम वोट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट कौन बनाता है? कभी प्रेसिडेंट के लिए तो कोई इलेक्शन नहीं होता, तो प्रेसिडेंट कौन बनाता है? लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग मिलके प्रेसिडेंट को चूज करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है वो, अच्छा, इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के अलावा एक और होता है विधानसभा, ठीक है। वो पार्लियामेंट में अभी शामिल नहीं है, रुक जाना, अभी इसलिए मैंने नहीं किया।
थर्ड होता, एक और होता है विधानसभा, जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, पढ़े थे आप लास्ट ईयर। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो भी प्रेसिडेंट को चूज करने में, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? एमपीज, मेंबर्स ऑफ लोकसभा क्या कहलाते हैं? एमपी कहलाते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स, और ये हो जाते हैं हमारे एमएलएज, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो जो एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं और मेंबर्स ऑफ राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इनको उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट को चूज करते हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है कि प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स होती हैं, प्रेसिडेंट कौन कौन से काम करते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें एक और चीज़ समझाने की, मैंने अभी एक वर्ड बोला इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा। इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स तो होते ही होते हैं, और लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता, सॉरी ये विधानसभा में क्या होता है कि जो इलेक्ट करके, दो तरीके के मेंबर्स होते हैं, जैसे लोकसभा में ज़्यादातर मेंबर्स तो वो होते हैं जो हम चुन के भेजते हैं, लेकिन कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट खुद अपनी तरफ से चुन के उन पे उनको वहाँ भेजता है, जिनको कि नॉमिनेटेड कहा जाता है। तो जो हम मेंबर्स को भेजते हैं, जिन कैंडिडेट्स को हम भेजते हैं चुनाव में जिता के, वो तो कहलाते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, और जिनको प्रेसिडेंट भेजते हैं, भेजता है, उसको हम कहते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, इसी तरीके से राज्यसभा में, विधानसभा में, जहाँ पर भी, तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट को के लिए इलेक्ट नहीं कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को सिर्फ इलेक्टेड जो होते हैं, जो इनको हमने भेजा है, जिन लोकसभा के मेंबर्स को, राज्यसभा के मेंबर्स को जो हमने भेजा है, इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं और राज्यसभा के भी जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो ही सिर्फ प्रेसिडेंट के को चुन सकते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं किया जाता है। क्योंकि फिर तो ये हो जाएगा ना, प्रेसिडेंट ने जिसको नॉमिनेट किया होगा, जिसको भेजा होगा मेंबर बनाने के लिए, वो तो उसी प्रेसिडेंट को चुनेगा ही, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो ही सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए वोट देते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ठीक है, अब इसकी पावर्स कौन कौन सी होती हैं, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में क्या है, इनके पास बहुत 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 सारी पावर्स होती हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, पहली बात, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जो गवर्नमेंट के कोई भी इश्यूज, जो भी ऑर्डर इशू किए जाते हैं, कुछ भी ऑर्डर आता है अगर देशवासियों के नाम पे, तो वो हमेशा प्रेसिडेंट के नाम पर ही आता है, प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं तभी वो चीज़ कानून बनता है। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, जितने भी एमपीज जाते हैं, जितने भी कैंडिडेट जीत के जाते हैं, उसमें से मेजॉरिटी पार्टी का कौन इंसान प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो के कौन चुनता है, प्रेसिडेंट चुनते हैं। और प्रेसिडेंट ने एक बार प्राइम मिनिस्टर को चुन लिया, फिर प्राइम मिनिस्टर बताता है कि मुझे ये मंत्री चाहिए, तो पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो भी मैंने बताया था ना, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और पता नहीं कौन कौन से मिनिस्टर, वो सब कैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर उनको भी चूज करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसके अलावा वो किस किस को अपॉइंट करते हैं, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया टू वेरियस कंट्रीज, इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर डिग्निटरीज। इतनी बड़ी बड़ी जो पोस्ट होती हैं, इलेक्शन कमीशन मतलब बहुत बड़ी बात होती है, वो इतना डिटेल में मत जाओ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि सारी बड़ी बड़ी पोस्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को, है ना, हमारे देश के जो एम्बेसडर्स बाहर जाते हैं, एम्बेसडर्स का मतलब होता है राजदूत जैसे होते हैं, जो हमारे देश की बात को दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तक पहुँचाते हैं, तो वो एम्बेसडर्स होते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट।
इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जब जिस मिनिस्टर को बताता है कि मुझे ये गृह मंत्री चाहिए, ये तो उनको अपॉइंट करते हैं। स्टेट में गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं। तो इतने सारे काम होते हैं प्रेसिडेंट के। अच्छा, इसके अलावा लेजिस्लेटिव पावर्स कौन कौन सी होती हैं? लेजिस्लेटिव पावर्स में अगर मान लो लोकसभा में और राज्यसभा में कोई भी बिल पेश हो रहा है, कोई भी बिल पास किया जा रहा है, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रेसिडेंट साइन ना करें, जब तक प्रेसिडेंट हाँ नहीं बोले। ठीक है, लोकसभा में बहुत सारी डिबेट होती है, बहुत सारे लॉज बनाए जाते हैं, राज्यसभा में भी होता है। तो जब राज्यसभा लोकसभा दोनों मिलके प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, प्रेसिडेंट जब तक हाँ नहीं बोलते, प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करते, तब तक उनके जो लॉ हैं वो इम्प्लीकेशन में नहीं आ सकते हैं। इसके बाद ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा और लोकसभा के जॉइंट सेशन बुलाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, डिस्कशंस करने होते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स को बुलाया जाता है और इस तरीके को जॉइंट सेशन कहा जाता है। वहाँ बैठ के वो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पर डिस्कशंस किए होते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस में। अच्छा, इसके अलावा राज्यसभा के लिए प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं और लोकसभा के लिए 2 मेंबर्स को। अब मैंने अभी तो आपको बताया था ना कि जो भी लोकसभा में जो कैंडिडेट्स जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, MPs कहते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और राज्यसभा में भी जो मेंबर्स होते हैं, तो राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स हैं, राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, उनमें से 12 मेंबर्स इलेक्शन के थ्रू नहीं आएंगे, बल्कि प्रेसिडेंट उनको खुद अपनी तरफ से डायरेक्ट भेजेगा। उनको कहते हैं नॉमिनेट करना, नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, तो राज्यसभा में 250 में से 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। इसी तरीके से लोकसभा जो होती है उसमें लगभग 500 मेंबर्स होते हैं इन टोटल, और 500 मेंबर्स में से केवल 2 मेंबर्स जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, बाकी सब इलेक्टेड पर्संस होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे जो सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल पावर्स क्या होती हैं प्रेसिडेंट की? तो प्रेसिडेंट मनी बिल से इम्पॉर्टेंट होता है कि जो धन विधेयक होता है, मनी के बारे में जितना भी कुछ होता है लोकसभा में, वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना नहीं हो सकता। मिलिट्री पावर्स में ये समझ लो आप कि किसी भी देश में, हमारे देश में कब वॉर का डिक्लेरेशन करना है, कब पीस को डिक्लेयर करना है, ये सब प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। अगर प्रेसिडेंट ने कहा कि युद्ध होना है तो होना है ना, वॉर अगर होना है तो होना है, और अगर प्रेसिडेंट ने कहा कि नहीं युद्ध नहीं होगा, शांति तो पीस रहेगी। इसके अलावा जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, आर्म्ड फोर्सेस मतलब अपनी ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो ये इन सब का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, जुडिशियल पावर्स, सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न के बाद भी अगर प्रेसिडेंट ने किसी डिसीज़न को अपोज कर दिया तो प्रेसिडेंट का डिसीज़न माना जाएगा। याद है आपको कोई केस हुआ था, उसमें जो कल्प्रिट्स थे, जो दोषी लोग थे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी उन लोगों ने प्रेसिडेंट को बोला था कि हमारी सज़ा कम कर दो। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ था जब प्रतिभा पाटिल थी हमारे देश की राष्ट्रपति, तो उस वक्त कुछ ऐसा केस हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं है, बट ऐसा कुछ हुआ था। तब ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न के बाद भी अगर कोई डिसएग्री होता है तो वो प्रेसिडेंट को बोल सकता है। प्रेसिडेंट हैज़ द मैक्सिमम पावर, सुप्रीम पावर। ठीक है, तो ऐसी कुछ पावर्स होती हैं। इसके अलावा कुछ इमरजेंसी पावर्स होती हैं, कैसे? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। अगर मान लो देश में कोई विद्रोह हो जाता है, कोई रिबेल कर देता है, या फिर कोई एकदम से कोई अटैक कर देता है हमारे देश के ऊपर, तब प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगानी पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की फेलियर होना, मान लो कि भाई कभी किसी देश में एकदम से प्रधानमंत्री की डेथ हो जाए, उनका मर्डर हो जाए, जैसे अपने पास हुआ भी था जब राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर, तब उनका ब्लास्ट में वो उनका मर्डर हुआ था, तो वो एक इमरजेंसी लग गई थी। तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो इमरजेंसी घोषित कर देता है कि इमरजेंसी है देश में, क्योंकि जिस देश में प्राइम मिनिस्टर ही नहीं होगा उसके सारे काम गड़बड़ा जाएंगे ना। ठीक है, इसी तरीके से फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, अगर मान लो किसी देश में फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आ रही है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें भी इमरजेंसी लग जाती है। ठीक है, अब आपकी बुक में कुछ प्रेसिडेंट के नाम दिए हैं, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि अभी आज़ादी के बाद से अब तक ये आपको लर्न होने चाहिए। वैसे तो कायदे से तो अब करो ना करो वो आपकी मर्ज़ी है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके मिस्टर रामनाथ कोविंद जो अभी हैं प्रेजेंट में हमारे प्रेसिडेंट, उनकी पूरी लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो ये था हमारा पार्लियामेंट के बारे में।
आई होप कि यू गॉट इट। पार्लियामेंट अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा है। अभी लोकसभा आएगा, राज्यसभा आएगा, प्राइम मिनिस्टर की क्या पोजीशन है वो हम देखेंगे। तो मेनली हम इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अभी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिन बच्चों ने कॉपीज चेक नहीं कराई हैं वो जल्दी से जल्दी करा लो, क्योंकि दो चैप्टर्स तो आने ही आने हैं टेस्ट में। इस चैप्टर का मैं आपको बता दूँगी क्या सीन रहेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। कल हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। क्योंकि पार्लियामेंट में अभी हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, अभी इसमें दो पार्ट्स और बाकी हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो कीप स्टडिंग, अप टू दैट टाइम हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।